हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको एक बार फिर से एमरोज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं माउस प्रॉपर्टी के बारे में। दोस्तों क्या होती है माउस प्रॉपर्टी, क्या आपको पता है? अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो आप पूरी देखें। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए लाते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ मज़ेदार ट्रिक्स एंड टिप्स। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। बेल आइकन देखिए ना आपने, तो उस बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि अगर आप उस बेल आइकन को क्लिक नहीं करेंगे तो आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा टॉपिक माउस प्रॉपर्टी। तो दोस्तों बात कर रहे हैं आज हम माउस प्रॉपर्टी के बारे में, और कंप्यूटर में माउस प्रॉपर्टी किस प्रकार से ओपन करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ। अगर आपको अपने कंप्यूटर में माउस प्रॉपर्टी ओपन करनी है तो आपको अपने कीबोर्ड से विंडो की को दबा के रखना है और साथ में प्रेस करना है आर। विंडो की को दबा कर रखना है और साथ में क्या प्रेस करना है? आर। इससे आपका रन ओपन हो जाता है और इस रन पर यहाँ पर आपको लिखना है main.cpl, main.cpl, और यहाँ से आपको ओके कर देना है या कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, ये आपकी खुल गई माउस प्रॉपर्टी। चूंकि मैं एक लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको टच पैड भी शो हो रहा है, अदरवाइज आप डेस्कटॉप यूज़ करेंगे तो आपको सीधा यहीं से ही ऑप्शन शो होंगे। हम जाते हैं सीधा बटन्स पे। बात करते हैं सबसे पहले हम बटन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। यहाँ पर आप सबसे पहला जो चेकबॉक्स देख रहे हैं, इस चेकबॉक्स के सामने लिखा हुआ है स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन्स। मीन्स अगर आप अपने माउस के राइट क्लिक को लेफ्ट क्लिक की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस चेकबॉक्स पर टिक कर दें। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो माउस का राइट क्लिक होता है, आप चाहते हैं कि वो राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक की तरह काम करे, तो आप इस चेकबॉक्स पर क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। अगर अभी आप देखें तो यहाँ पर देखो ये ब्लू इस साइड है, लेफ्ट क्लिक की साइड है, और अगर मैं इस पर टिक कर देता हूँ तो ये ब्लू देखिए राइट क्लिक की साइड चला गया। इसका मतलब कि माउस की लेफ्ट क्लिक की जगह अब माउस का राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक की तरह काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप ट्राई करेंगे, यहाँ पर इसे अप्लाई करेंगे तो अब जब कभी भी मैं कोई भी ऑप्शन यूज़ करूँगा, लाइक मैंने इसको ओके कर अप्लाई कर देता हूँ तो मैं इस पर लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ लेकिन लेफ्ट क्लिक हो ही नहीं रहा, तो मैं इस पर क्या करूँगा? राइट क्लिक। क्यों करूँगा राइट क्लिक? क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको स्विच कर दिया है, लेफ्ट क्लिक की जगह अब राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक का काम करेगा। यहाँ से भी मैंने इसको ओके कर दिया तो अब जब कभी मुझे कोई भी ऑप्शन खोलना हो, अब मैं लेफ्ट का ना यूज़ करके राइट का यूज़ करूँगा। अब आप सोचेंगे इसका बेनिफिट क्या हुआ? कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों कि आपकी माउस क्लिक चूंकि ज़्यादा यूज़ होती है तो ज़्यादा यूज़ होने की वजह से कई बार उसका जो लेफ्ट क्लिक है वो सही से काम नहीं कर रहा होता है। तो आप क्या कर सकते हो उस कंडीशन में, आप अपने माउस की राइट क्लिक को लेफ्ट क्लिक की जगह यूज़ करवा सकते हो। माउस की राइट क्लिक को लेफ्ट क्लिक की जगह यूज़ करवा सकते हो। और अब आप देखिए जो आपका माउस का लेफ्ट क्लिक है, क्योंकि वो तो रेयरली कभी कभी यूज होता है, तो वो अब आपके माउस की राइट क्लिक की तरह काम करेगा। अब मुझे इस सेटिंग को वापस चेंज करना है क्योंकि मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ उससे, तो मैं वापस रन पे गया, यहाँ पर लिखा मैंने main.cpl और ओके प्रेस किया। देन मैं गया बटन्स पे और इस स्विच पर मैंने अगेन क्लिक कर दिया। अब ये देखिए ब्लू साइड आ गया, मतलब अब माउस का जो लेफ्ट क्लिक है वो लेफ्ट क्लिक की तरह काम करेगा और माउस का राइट क्लिक राइट क्लिक की तरह काम करेगा। तो दोस्तों आपको समझ आ गया क्या यूज होता है स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन्स में। मीन्स अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो माउस का लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक की तरह काम करेगा और माउस का राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक की तरह काम करेगा। अब बात करते हैं हम डबल क्लिक स्पीड। दोस्तों जब कभी भी आप कोई भी फाइल, फोल्डर या आइकन ओपन करते हो तो सबसे ज़्यादा आप क्या यूज़ करते हो? डबल लेफ्ट क्लिक का यूज़ करते हो। लाइक मुझे इसे ओपन करना है, चाहे इसे ओपन करना है, किसी और भी प्रोग्राम को ओपन करना है, तो मोस्टली हम क्या यूज़ करते हैं? डबल लेफ्ट क्लिक का। तो अगर आप चाहते हैं कि डबल लेफ्ट क्लिक में थोड़ा सा प्रेस करूं और मेरा वो प्रोग्राम ओपन हो जाए तो आप क्या करो, यहां पर इसे स्लो की तरफ बढ़ा देना, मतलब अगर मैं स्लो डबल क्लिक करूं तो भी मेरा वो प्रोग्राम ओपन हो जाए।
और आप चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा हार्ड डबल लेफ्ट क्लिक करना है तब जाके वो ओपन हो, तो आप इसको फास्ट की तरफ बढ़ा देना। यहाँ पर मैं इसका एक डेमो दिखाता हूँ। लाइक मैंने इसको स्लो की तरफ कर दिया, ओके कर दिया, ओके। अब मैं यहाँ पर अगर डबल क्लिक करता हूँ थोड़ा सा भी तो फटाक से खुल जाएगा। और अगर मैं इस सेटिंग को वापस रिवर्ट कर दूँ, रन पे गया, विंडो के साथ आर प्रेस करूँगा, मेन डॉट सी पी एल बटन्स पे गया और मैंने इसको क्या कर दिया, फास्ट, और देन मैं अब अप्लाई करूँगा, ओके। और अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ लेकिन अब नहीं हो रहा है। अब मुझे उस पर ज़्यादा डबल लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा, हार्ड प्रेस करना पड़ेगा लेफ्ट को, तब जाके ये ओपन होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको कि क्या यूज़ होता है डबल क्लिक स्पीड का। मीन्स अगर आप अपनी डबल क्लिक की स्पीड को फास्ट करना चाहते हैं तो आप स्लो की तरफ कर दीजिए, और अगर उसे स्लो करना चाहते हैं तो फास्ट की तरफ। कहने का तात्पर्य है कि आप चाहते हैं कि हल्का सा डबल क्लिक करें और प्रोग्राम खुल जाए तो आप स्लो की तरफ बढ़ा देना इसे ऐसे, और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ज़्यादा हार्ड डबल लेफ्ट क्लिक करूँ तब खुले तो आप इसको फास्ट की तरफ बढ़ा देना। बाय डिफ़ॉल्ट ये मिडिल में होता है। आगे चलते हैं क्लिक लॉक। क्लिक लॉक का क्या यूज़ है, इसे समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ओके करके यहाँ से, अभी मैंने कुछ ही नहीं किया, ओके कर दिया सिर्फ। नॉर्मली जब आप कोई फाइल या फोल्डर मूव करते हो तो क्या करते हो, उस फाइल या फोल्डर पर लेफ्ट क्लिक दबाते हो और लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके उसको मूव करते हो, ऐसे ही करते हैं ना आप। जस्ट लाइक मान लो मुझे इसको यहाँ लाना है तो मैं इसको यहाँ पर जैसे ही छोड़ूंगा यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अगर आप बटन्स पे गया और टर्न ऑन क्लिक लॉक, ये क्लिक लॉक है, मैं इस पर टिक कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। अब जब कभी भी आप किसी भी फाइल या फोल्डर को मूव कर रहे हो, देख रहे हो मैं मान लीजिए इसको यहाँ मूव कर रहा हूँ, तो मैं जैसे ही लेफ्ट क्लिक को छोड़ूंगा तब भी ये नहीं छूटा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा लेकिन मैं लेफ्ट क्लिक छोड़ चुका हूँ, ये नहीं छूटा है क्योंकि ये इसके साथ क्या हो गया है, लॉक हो गया है क्लिक के साथ। अब आप इसको यहाँ पर छोड़ना चाहते हैं तो एक बार और क्लिक करना पड़ेगा, आ गया। जस्ट लाइक मान लीजिए मुझे इसको यहाँ से मूव करना है तो मैं इसको दबा के नीचे की तरफ खींचा, मैं छोड़ रहा हूँ लेकिन ये छूटा नहीं है, और जैसे मैं दोबारा लेफ्ट क्लिक करूँगा तभी ये छूटेगा। मीन्स अगर आप फाइल या फोल्डर को ड्रैग करते वक्त उसे लॉक करना चाहते हैं क्लिक के साथ तो आप टर्न ऑन क्लिक लॉक को क्लिक करें, और अगर आप इसकी सेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं पॉइंटर्स की तरफ। नॉर्मली आप देखते हो कि ये पॉइंटर वाइट कलर का आता है और इसी साइज में आता है, बट आप इसको थोड़ा चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की स्कीम्स हैं। लाइक इसमें देखिए कैसा आ रहा है, आपको थोड़ा मैग्नीफाइड दिखा रहा है। ब्लैक वाले में देखिए आपका जो पॉइंटर है वो ब्लैक आएगा। जस्ट लाइक मैं अप्लाई करता हूँ तो देखिए आपका पॉइंटर कैसा आ रहा है, ब्लैक आ रहा है। और अगर मैं इसको मैग्नीफाइड कर दूँ, अप्लाई कर दूँ तो अभी मैग्नीफाइड आ रहा है, ये देखिए। और अगर इसको नन कर दूँ और अप्लाई कर दूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा जैसा था वैसा का वैसा आ रहा है। आप नीचे देखेंगे कस्टमाइज में, ये आपको दिखा रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस में आपके माउस का जो पॉइंटर है वो कैसे कैसे चेंज होता है, इसको भी समझना आवश्यक है। मैं इसको समझाता हूँ। जस्ट लाइक नॉर्मली आपका माउस ऐसे ही रहता है लेकिन जब कभी भी आप किसी हेल्प सेलेक्ट के लिए जाते हैं तो इस टाइप का पॉइंटर के साथ ऐसा क्वेश्चन मार्क का सिंबल बन जाता है। जब आपका काम बैकग्राउंड में वर्किंग होता है तब आपका ऐसा सिंबल बनता है, और जब आपका बिजी हो जाता है सिस्टम किसी भी प्रोग्राम को खोलते वक्त या काम करते वक्त तो आप देखना ऐसा सिंबल बन जाता है। हाँ, ये सिंबल ऐसा भी बन सकता है और ये हो सकता है कि आपका थोड़ा डिफरेंट भी बन जाए, जस्ट लाइक ऐसा ऐसा देखा होगा आपने, ऐसा भी बन सकता है। मैंने यहाँ से जैसे इसको स्कीम को चेंज किया अब ये डिफरेंट वाला दिखाई दे रहा है आपको, तो ऐसा भी दिखाई दे सकता है कि ऐसा हो ऐसा, तो इसको लेके बिल्कुल कन्फ्यूज ना हो। विंडोज़ का भी फ़र्क पड़ता है तो मैं अभी इसको नॉर्मली लेके चल रहा था। ये प्रिसीजन सेलेक्ट ऐसा होता है, जब आप टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं तो देखा होगा, जब आप टेक्स्ट टाइप करते हैं तो भी ऐसा ही आता है। ये हैंड राइटिंग के लिए इसका सिंबल है माउस का पॉइंटर। अनअवेलेबल, जैसे कि आपने ये सिंबल तो ज़रूर देखा होगा, जब आप किसी चीज़ पर क्लिक करते हैं और वो चीज़ वहाँ पर अनअवेलेबल होती है तो वहाँ पर ऐसा सिंबल बन जाता है। जब आप किसी भी शेप को वर्टिकल रिसाइज करते हैं तो ऐसा सिंबल बनता है, मैं आपको अभी डेमो में दिखाऊंगा। ये हॉरिजॉन्टल रिसाइज पर ऐसा सिंबल बनता है, डायगोनल रिसाइज पर ऐसा सिंबल बनता है,
डायगोनल रिसाइज टू एक ऐसे सिंबल बनता है मूव। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को शेप को आप मूव करते हैं तो आप देखेंगे, यहाँ पर तो नहीं बनेगा लेकिन जब आप कोई वर्क कर रहे होते हैं तो उसका सिंबल कुछ इस प्रकार से बनता है। ये लिंक सेलेक्ट, जब आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं स्पेशली नेट वगैरह जब आप यूज़ करते हो और आपने देखा होगा कि ये सिंबल बनता है, और जब लोकेशन वगैरह की बात होती है तो कुछ ऐसा बनता है सिंबल। ध्यान रखिएगा डिफरेंट डिफरेंट विंडोज स्कीम्स में या डिफरेंट डिफरेंट विंडोज़ में थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। जैसे मैं इसको विंडो डिफॉल्ट करके दिखा रहा हूँ आपको, तो ये देखो ऐसा दिखा रहा है। अभी मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ एम एस वर्ड ओपन करता हूँ, विंडो के साथ आर किया मैंने, यहाँ पर मैंने लिखा विन वर्ड। एम एस वर्ड को ओपन करने की रन कमांड है विन वर्ड। मैं आपको एम एस वर्ड में इसका डेमो दिखा रहा हूँ, ये डिफरेंट टाइप के सिलेक्शंस का, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या किया, इंसर्ट पे गया और यहाँ से मैंने कोई भी एक शेप ले ली, जस्ट लाइक मान लीजिए मैंने स्टार ले लिया। अब मैं इसको रिसाइज करना चाहूँगा, क्या करूँगा रिसाइज, तो ये देखिए, ये देख लो कैसा बन रहा है, ये डायगोनल रिसाइज है ऐसे, ये देख रहे हैं आप, ये वर्टिकल रिसाइज है, ये आपका हॉरिजॉन्टल रिसाइज है। ये मूव करते वक्त मैं आपको बता रहा था, मूव करते हुए देखो अभी तो ऐसा है, और मूव करते हुए देखो कैसा बन गया ये, जस्ट लाइक आप यहाँ मैं आपको दिखा रहा था ये। तो ये कुछ ऑप्शंस मैंने आपको यूज़ करवाए। हाँ, अगर आप अपने माउस, अभी मैं बटन पे गया, ये मैंने क्लिक कर रखा है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि मेरी ना जब भी मैं कोई चीज़ मूव कर रहा हूँ वो साथ साथ वो उसके मूव हो रहा है ऑब्जेक्ट या शेप वगैरह, तो मैंने इसको हटा दिया है। हम वापस आ जाते हैं, अगर आप अपने पॉइंटर के नीचे शेडो दिखाना चाहते हैं तो इनेबल पॉइंटर शेडो का ही पटिक कर दें, और हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं अप्लाई। तो दोस्तों ये हमारा माउस प्रॉपर्टी का पहला पार्ट है। मैं चाहता तो ये पॉइंटर ऑप्शंस व्हील या इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैं इसी वीडियो में बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि आप इतना लंबा वीडियो देखें जिससे कि आप बोर हो जाएं। तो हम इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे माउस प्रॉपर्टी का, जिसमें हम आपको माउस प्रॉपर्टी की जो बाकी इन्फॉर्मेशंस है वो उसमें शेयर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही और मज़ेदार वीडियोज़। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बाय बाय और टेक केयर।